बच्चे हमारे आंदोलन के लिए हो तैयार बैठे हैं, कहीं वो बहक ना जाए, वो डर ना जाए, क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई शायद तैयार ना हो। अभी भगवान वाल्मीकि जी महाराज का मंदिर भी गिराया गया है। मैं आप लोगों से एक और निवेदन करती हूँ, जैसे हम संत शिरोमणि भगवान रविदास जी महाराज किस लड़ाई में साथ हैं, ऐसे ही उस मंदिर की लड़ाई में भी हम साथ हो। और जो जातियां में हम लोग बटे हुए थे, अब सरकार को यह दिखाने की जरूरत है कि दलित समाज अब एक हो चुका है, और इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे। और मेरी माताएं भी यहाँ बैठी हैं, मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, क्योंकि मैंने खुद किया है, मेरी आशा है कि आप लोग भी करें। जो हमारे भाई, जो बच्चे जेल के अंदर हैं, आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हमने भी एक दिन का व्रत किया था अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वो भी आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। मेरी गुजारिश से आज जोड़ के विनती है आप लोगों से कि उन भाइयों के लिए एक दिन का व्रत आप जरूर करें, क्योंकि वो जेल के अंदर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम सबकी लड़ाई है। तो आप लोग मिलके रहिए, साथ रहिए, और जब तक हमारा मंदिर नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।